तो ये हमारा सैंडविच स्प्रेड रेडी है। सो आज की रेसिपी है हमारा इंस्टेंट सैंडविच स्प्रेड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओमसाई कुकिंग क्लासेस एंड दिस इज सीमा गवारे पाटिल। आज जैसे मैं उठी सुबह ब्रेकफास्ट के लिए तो मुझे सैंडविच बनाना था, क्योंकि अभी ठंडी चल रही है और गरम गरम सैंडविच तो एकदम कमाल लगते हैं। तो जब मैंने फ्रिज खोला तो फ्रिज के अंदर कोई भी ऐसा स्प्रेड नहीं था, सॉस सब खत्म हो गया था। तो मैंने बोला चलो अभी हमको एक स्प्रेड बनाना ही है सैंडविच के लिए, तो आपके साथ क्यों ना ये रेसिपी शेयर कीजिए। आप ये सैंडविच स्प्रेड बना के देखो, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके लिए बस आपको कुछ चीजों की जरूरत लगेगी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आपको बाजार में ऐसे के मेयोनेज मिलते हैं, ये विद एग रहता है और एगलेस रहता है, आप कोई भी ले सकते हो। सो ये मेयोनेज का 1 kg का पैक मिलता है, आप छोटे पैक भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। सो मैं दिखाती हूँ, ये मैंने लिया है 1.5 कप मेयोनेज। उसके बाद मैंने लिया है 2 चम्मच या 2 TBSP रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी मिर्ची है जो सिर्फ कलर देती है। उसके बाद केचप लिया है 2 चम्मच, 2 टेबलस्पून। 1/2 TSP मैंने लिया है मस्टर्ड सॉस, मस्टर्ड सॉस भी आपको किराना में मिल जाता है। उसके बाद हमने लिया है 1 नींबू का जूस। फिर हमने 1 छोटा चम्मच लिया है गार्लिक पाउडर। अभी गार्लिक पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल गार्लिक को लेके पेस्ट करके भी यूज कर सकते हो। उसके बाद है मिक्सर, देन हम लोग यूज करेंगे विनेगर, ये आपको किसी भी किराना दुकान में मिल जाएगा। उसके बाद मैंने बुश कंपनी का ऑरेंज रेड कलर यूज किया है, जो तंदूरी में भी यूज होता है, ये ऑरेंज रेड कलर, ये आपको लगेगा। और जो मैंने मस्टर्ड सॉस यूज किया है, आपको किसी भी किराना स्टोर में ये बॉटल मिल जाएगी। ये अगर आपके पास नहीं है, आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा। सो हम अभी स्टार्ट करते हैं सेम जो स्प्रेड बना रहे वो। सो पहले मैंने लिया है मेयोनेज, आपको करना क्या, बस सिंपल सारी चीजों को मिक्स करना। मैंने मिर्ची पाउडर मिक्स की, क्योंकि जब हम मेयोनेज खाते हैं ना बहुत ही ब्लांच और सिंपल लगता है। उसके बाद हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा केचप फ्लेवर के लिए, देन मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड सॉस। मस्टर्ड सॉस से एक बहुत ही अच्छा टैंगी फ्लेवर आता है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ मिक्स हर्ब, या आप ऑरिगेनो डाल सकते हो। उसके बाद मैं गार्लिक पाउडर डाल सकती हूँ, अदरवाइज आप गार्लिक पेस्ट डाल सकते हो। 1 नींबू का रस डाल रही हूँ। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून विनेगर। सो विनेगर मैं ले रही हूँ 1 TBSP। ओके, देन ये जो ऑरेंज रेड कलर है ये मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा डालना है आपको, बहुत ज्यादा नहीं, मैं एकदम थोड़ा सा 1/4 TSP डाल रही हूँ। ओके, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। सो ये यम्मी सॉस आप किसी भी सैंडविच में लगा सकते हो, रोल्स में लगा सकते हो, रैप्स में लगा सकते हो, ट्राई कीजिए और मुझे बताइए, मैं आपको अब इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। हाँ, अभी जिसको खट्टापन कम पसंद है, आप या तो इसमें से नींबू या विनेगर दोनों में से एक चीज डालोगे तो भी चलेगा, जिसको टैंगी पसंद है वो दोनों डालो। सो मैं अभी आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। सो ये हमारा सैंडविच स्प्रेड रेडी है। ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लेकिन हाँ, सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना मत भूलिए और हमारी रेसिपी को ऐसे ही ट्राई करते रहिए और देखते रहिए। तब तक के लिए बाय।